हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु गुप्ता और आज के डे 14 के वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशियो के क्विज को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर यू बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको दिसंबर 2019 अटेम्प्ट के लिए कॉमर्स मैनेजमेंट एचआरएम एंड पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके क्विज को स्टार्ट करते हैं। अगर यही क्विजेस आपको टेलीग्राम पे भी अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज को। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है और आपको कैसे हमारे क्विजेस सेक्शन में जाना है, सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्विजेस सेक्शन में जाना है। सो देखिए, क्विजेस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर डे 14 का आपको क्विज मिल जाएगा। नाउ अभी से बिगिन कर सकते हैं आप। सो बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रुपीज़ टेन ईश दैट इज ₹1,00,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईश दैट इज ₹1,00,000। सो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹1,00,000 के, इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹1,00,000 का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपके पास कितना 50,000 का और आपको निकालना क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। देखिए, जो आपका अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सो बेसिकली जो ईपीएस कैलकुलेट किया जाता है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए। सो बेसिकली जो भी आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड पे करना है वो आप डिडक्ट कर देंगे फ्रॉम द नेट प्रॉफिट सो दैट आप ईपीएस कैलकुलेट कर पाएं। और अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। सो बेसिकली वो शो करता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कितना अर्न किया है ऑन देयर पर शेयर बेसिस। सो बेसिकली अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसकी कितनी अर्निंग रही है, ये ईपीएस के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। सो यहाँ पे आपको जो डेटा प्रोवाइड दैट इज नेट प्रॉफिट आपका है 50,000 का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो आपके हैं ₹1,00,000 के और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं आपके वो हैं ₹1,00,000 के। नाउ जो प्रेफरेंस शेयर का जो परसेंटेज है दैट इज जो आपको डिविडेंड देना है वो है 10%। सो आप देख सकते हैं यहाँ से जो नेट प्रॉफिट आपका है ये है 50,000 और 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है दैट इज ₹10,000। सो यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बनेगा दैट इज 10,000। सो आप यहाँ से अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड निकालेंगे सो यहाँ पे 50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके कितने निकलेंगे। देखिए, इक्विटी शेयर बताया गया था आपको कि इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच के हैं। सो बेसिकली अगर आप सो 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी कितने आएंगे, 10,000 रुपीज़ के। सो अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 10,000 से इसे डिवाइड करते हैं सो ये आपका आएगा 40,000 डिवाइड बाई 10,000 दैट इज ₹4 पर शेयर। देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस गिवन है दैट इज 5 पर शेयर, 4 पर शेयर, 40 पर शेयर और 7 पर शेयर, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे दैट इज 4 पर शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड इज एज फॉलो। सो आपके पास जो डेटा गिवन है दैट इज 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच 3,00,000 की है आपके पास और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच 8,00,000। द अकाउंटेंट हैज असर्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 60% पर एनम 2,70,000। सो यहाँ पे जो आपका टैक्स है दैट इज 40% और जो आपका पास नेट प्रॉफिट बचा है दैट इज 60% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट वो है आपके पास 2,70,000 का। इक्विटी डिविडेंड पे 20% दैट इज 60,000 रुपीज़। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज ₹40। प्राइज अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज, सो यहाँ पे बेसिकली आपको प्राइज अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो अगर हम पी रेशियो को देखें तो पी रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन में ईपीएस। सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस गिवन है 40 रुपीज और ईपीएस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले सो दैट आप पीई रेशियो निकाल पाए। सो यहाँ पे आपको ईपीएस भी कैलकुलेट करना है और पीई रेशियो भी कैलकुलेट करना है।
सो ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट किया वैसे ही सिमिलर मेथड लगाएंगे हम इसके अंदर ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। सो ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है, दैट इज 270,000 और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आएगा आपका, दैट इज यहाँ पे देख सकते हैं आप 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो यहाँ पे जो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है दैट इज 9%। सो अगर हम 9% ऑफ 3 लाख निकाले तो आपका आएगा 27,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके पास 8 लाख डिवाइड बाई 10 दैट इज 80,000। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके आ रहे हैं 80,000। सो अगर यहाँ से हम ईपीएस कैलकुलेट करें सो आपका ईपीएस जो आएगा दैट इज 243,000 डिवाइड बाई 80,000। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 3.03 समथिंग। सो आपका यहाँ पे ईपीएस निकल चुका है, अब यहाँ पे हमें निकालना है पी रेशियो। पी रेशियो के लिए आपके पास जो एमपीएस मार्केट पे जो शेयर गिवन है 40 रुपीज और आप इसको डिवाइड कर देंगे 3.03 से। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 13.2 समथिंग। सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो आपके पास गिवन है 13.6, 13.16, 15.66 एंड 11। सो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शंस काफी क्लोज हैं ई और बी, लेकिन अगर आप बी को देखें तो 13.16 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर देखें तो हमने आगे की वैल्यूज नहीं ली हैं, डेसिमल्स के बाद हमने केवल 2 वैल्यूज ली हैं। सो अगर हम इसको बढ़ाएंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं सो ये वैल्यू थोड़ी सी डाउन जाएगी। सो ये 13.2 से थोड़ा सा नीचे जा सकता है, दैट इज 13.1 पॉइंट समथिंग। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो आपका जो सबसे नियरेस्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आप इसको एक्यूरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंप्लीट कैलकुलेशन, हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं डायरेक्ट। कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। सो अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करें सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ये होता है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग है, सेल्स है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। सो ये काफी डायरेक्ट है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है दैट इज 2,50,000 और अगर यहाँ पे हम एवरेज स्टॉक को देखें तो एवरेज स्टॉक के लिए जो आपको वैल्यू चाहिए दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपको यहाँ पे सेल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सेल्स वैल्यू को इग्नोर करना है। सो अगर हम ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 67,500 प्लस 57,500 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1,25,000। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 62,500 आएगा। सो इसको 62,500 से डिवाइड कर देंगे सो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। सो अगर इसको आप कॉमन वैल्यू से भी इसको अगर आप कट करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 4 नाउ। सो तो यहाँ पे जो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ रहा है दैट इज 4। चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है जो आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो आपके असेट्स के कंपैरिजन में कितने हैं। सो देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं दैट इज टोटल असेट अपॉन टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी अपॉन में टोटल टेंजिबल असेट्स, फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स अपॉन में टोटल असेट्स। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो फंड है वो टोटल असेट्स के कंपैरिजन में कितना है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ अ कंपनी इश्यू बोनस शेयर द डेप्ट इक्विटी रेशियो विल बी। सो कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है सो यहाँ पे जो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा वो क्या होगा। सो ये रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा,
will be affected, will improve and none of the above. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. सो अगर हम इसका एग्जैक्ट आंसर देख पाएँ सो यहाँ पे हम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है. नाउ हम पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो को समझते हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है और उसके बाद अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो उस रेशियो पे क्या इंपैक्ट आएगा सो दैट हम इसके आंसर को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा. सो अगर हम डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें सो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट और टोटल लाइबिलिटी अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड. और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड आएंगे ना कि प्रेफरेंस के भी. सो अगर हम डेप्ट की बात करें तो आपके पास टोटल डेप्ट है और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है. सो टोटल डेप्ट को कवर करने के लिए कितना आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड पड़ा है ये होता है, इसको प्रोप्रायटी रेशियो बोला जाता है. अब मान लीजिए आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं. अब सपोज आपके पास 10 रुपीज़ का डेप्ट है और उसको कवर करने के लिए आपके पास 100 रुपीज़ की इक्विटी है. सो आपके पास सफिशियंट, मतलब कि आपके पास 10 टाइम्स इक्विटी है टू कवर डेप्ट. नाउ अगर आप यहाँ पे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाते हैं, दैट इज अगर आप बोनस शेयर इशू कर देते हैं, तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो होगा वो 10, मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ के फंड्स इशू करें बोनस शेयर, सो बेसिकली यहाँ पे आपका 120 हो जाएगा. सो यहाँ पे अब आपके पास 10 रुपीज़ के डेप्ट को कवर करने के लिए 120 रुपीज़ की इक्विटी है. सो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी इक्विटी है वो एज कम्पेयर टू डेप्ट बढ़ चुकी है. सो यहाँ पे जो आपकी कवरेज है वो बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी को आप कवर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे. सो यहाँ पे जो आपकी डेप्ट इक्विटी रेशियो होगी वो इम्प्रूव होगी. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस को कवर किया. प्रीवियस एग्जाम्स में देखा गया है कि यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पैनिक करके क्वेश्चंस को गलत अटैम्प्ट कर देते हैं और फॉर्मूला को वो इजिली रिमेंबर नहीं कर पाते हैं. सो हम इसकी जो फॉर्मूला को कैसे याद करना है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, हम इसके बारे में कंप्लीट कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटिंग रेशियो लेसन के अंदर. सो आप हमारे साथ बने रहिए. अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डेली क्विजेस. अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट HRM एंड पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं. सो आप हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक यू सो मच गाइज़.